हाय एवरीवन, एप्स इन फॉर्म में आपका स्वागत है। मेरा नाम है चंद्रशेखर पटेल और हम एक चीज में हमेशा कंफ्यूज रहते हैं और फिर उसे अलग अलग जगह खोजते हैं, पर बाद में पता चलता है कि और ज्यादा कंफ्यूजन हो गया। और असली बात तो तब पता चलती है जब हम हमारी रियलिटी देखते हैं। तो आपकी सारी समस्या का समाधान है ये लैपटॉप, और ये आपके टेक्निकल इश्यू को भी फिक्स कर देगा। तो इस लैपटॉप का नाम नीचे दिख जाएगा आपको, और इस वीडियो में हम बात करेंगे इसकी 8 ऐसी चीजें जिसके कारण आपको इसको परचेस करना चाहिए, कुछ नेगेटिव पॉइंट और कौन कौन सी चीजें इसमें है। बस ये एक रिव्यू नहीं है बट ओवरव्यू है कि आपको इसे क्यों परचेस करना चाहिए। शुरुआत करते हैं स्पेक्स से कि इसके अंदर आपको मिलेगा क्या क्या। सबसे पहले आपको मिलेगा एक HD डिस्प्ले जो कि 15.6 इंचेस का होगा। साथ ही इसमें 8GB की रैम और 512GB का इंटरनल स्टोरेज भी आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा यदि हम प्रोसेसर की बात करें तो i3 10th जेन प्रोसेसर इसमें लगा हुआ है और विंडोज 11 के साथ में ये आता है। अब मैं बात कर लेता हूँ आपको इसमें पोर्ट कौन कौन से मिलेंगे। सबसे पहले आपको इसमें एक HDMI पोर्ट मिला जो कि बहुत अच्छी बात है। साथ ही 2.0 के दो USB पोर्ट, एक Type-C पोर्ट, 3.5mm जैक, एक USB पोर्ट जो कि 3.0 को सपोर्ट करता है, चार्जिंग पोर्ट भी है जिसको मैं बताना भूल गया। 8 पॉइंट जिसके कारण आपको इसको खरीदना चाहिए और कुछ नेगेटिव पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट, फिंगरप्रिंट स्कैनर। इस प्राइस पॉइंट में फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल पाना इन लैपटॉप में थोड़ा मुश्किल होता है, बट ये वाला फीचर आपको इस लैपटॉप में मिल जाएगा। दूसरा रीजन इस लैपटॉप को परचेस करने का, प्री इंस्टॉल विंडोज 11 जो कि फ्री है लाइफ टाइम के लिए, और यदि हम कोई क्रैक वाला वर्जन यूज करते हैं विंडोज का या फिर उसमें कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो थोड़ा बगी हो जाता है, थोड़ा स्लो चलता है, हीटिंग इश्यू आता है। बट इसमें थोड़ा सा हीटिंग इश्यू तो है बट ये सॉफ्टवेयर काफी अच्छे चलाता है। तीसरा, आप इसको एक हाथ से उठा सकते हैं, काफी लाइट वेट है, ऑलमोस्ट 1 kg का ये लैपटॉप है, मतलब काफी पोर्टेबल है, आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चौथा रीजन इसको परचेस करने का, इसका लुक एंड फील और डिस्प्ले। डिस्प्ले में बता दूं इस पे एंटी लेयर की कोटिंग है, साथ ही इसमें आपको नाइट लाइट देखने को मिलेगी, मतलब यदि बहुत देर तक आप यूज कर रहे हो रात में तो इसमें ऑटोमेटिकली जो फोन हमारा वार्म लाइट देने लगता है नाइट के समय, तो वो इस लैपटॉप पे आपको देखने को मिल जाएगा। रही बात लुक एंड फील की, तो जब आप इसको सामने से देखेंगे तो काफी प्रीमियम फील आपको देगा, ये लगेगा कि हाँ ये अपने प्राइस को जस्टिफाई कर रहा है। पांचवा, इसको खरीदने का एक और रीजन, यदि आप बहुत ही ज्यादा मूवीज वगैरह देखते हैं तो इसमें आपको एक और चीज देखने को मिलेगी जो कि है HDR मोड। डिस्प्ले पे HDR मोड इस प्राइस पॉइंट पे मिलना थोड़ा सा इजी नहीं है। शुरू में जब मैंने इस पर रिसर्च करी तो मेरे को पता लगा कि इसमें जो स्टोरेज है वो काफी कम है, बट एक अच्छी न्यूज ये है कि आप इसमें स्टोरेज एक्सपेंड कर सकते हो। नॉर्मली आपने जो पुराने वाले लैपटॉप होते थे उसमें एक चीज बहुत कॉमन होती थी, उनके चार्जर काफी बड़े आते थे, मतलब बहुत ज्यादा बड़े आते थे, और जिन लोगों को बड़ी चीजें नहीं पसंद तो आप इस लैपटॉप को परचेस कर सकते हैं लैपटॉप के चार्जर को देख के, काफी कूल एंड कॉम्पैक्ट है, ऑलमोस्ट जो वन प्लस का चार्जर है उसके बराबर इसका चार्जर है। अगला रीजन इसको खरीदने का, Type-C पोर्ट, वो एक चीज जिसमें अपनी औकात दिखा देगा, और ये काफी स्लो है साउंड के मामले में, और दूसरी चीज इसकी स्पीकर प्लेसमेंट में ऐसी दी गई कि आपको थोड़ा लो साउंड फील होगा। दूसरा, ये सिर्फ इतना ही ओपन होगा, यदि किसी ने गलती से इसको पूरा मोड़ दिया तो ये फ्लैट हो जाएगा और आपका काफी नुकसान हो सकता है। तीसरा पॉइंट, इसमें कोई SD कार्ड स्लॉट नहीं है, होता इसमें सिम कार्ड स्लॉट भी नहीं है। एक नेगेटिव पॉइंट और, इसमें जो लाइट है उसमें कोई भी बैकलाइट आपको देखने को नहीं मिलेगी। इशू जो इसके डिस्प्ले पर मेरे को देखने को मिला, ये हल्का सा येलोइश है एज कम्पेयर टू दिस लैपटॉप जिसने आधार रखा है एप्स इन्फॉर्मर की। यही वो लैपटॉप है जिससे ये चैनल स्टार्ट हुआ है, और इसकी कीमत आप जान के हैरान हो जाएंगे, मात्र 19,000 रुपए, और ये मैंने खरीदा था ऑलमोस्ट 2017 में। तो जिसका ये लैपटॉप है उन्होंने मेरे को बताया कि इसमें हल्की सी हीटिंग इशू है, बट अभी हम इसको यूज करेंगे इन 3-4 मंथ जितना भी टाइम हमारे पास में है, और मैं चेक करूंगा कि क्या रियली में इसमें हीटिंग इशू है, और आपको अपडेट करूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। और एक सबसे बड़ा इशू जो कि टेक्निकल इशू होता है एनीथिंग, यदि आप ये वीडियो देख रहे हो तो दिस इज अ टेक्निकल इशू, तो मेरे को ऐसा लगता है कि थोड़ा सा सस्ता ये होना चाहिए था, मतलब 34-35 हज़ार रुपये इसकी MRP है, बट मैं ये चाहता हूँ कि ये 30,000 के अंदर पे मिल जाए तो थोड़ा अच्छा हो। और यदि आप मेरे से मेरा ओपिनियन पूछेंगे कि इस लैपटॉप को परचेस करना चाहिए या नहीं, तो मैं बोलूंगा हाँ आप इसे परचेस कर सकते हैं, थोड़ा सा वेट करिए, कार्ड अप्लाई करिए, डिस्काउंट लीजिए, बट कोशिश करिए कि 30, 31, 32, 33 तक आपको ये लैपटॉप मिल जाए आसानी से, तो ये अपने प्राइस को जस्टिफाई करता है मेरे हिसाब से। और एक और क्वेश्चन यदि आपका होगा कि क्या आप इसमें वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं,
तो जब इस पे वीडियो एडिटिंग हो सकती है तो मेरे हिसाब से इस पे भी हो सकती है। इसमें पेंटिनियम कोर प्रोसेसर है काफी पुराना, साथ ही इसमें 1 GB का ग्राफिक्स कार्ड है, तो इसमें वीडियो एडिटिंग हो जाती है। बट रोते रोते तो ये था मेरा ओपिनियन इस लैपटॉप पे लेके। यदि आपको पसंद आएगा तो प्लीज इसे लाइक करिए, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए वीडियो कैसा बना, और यदि आप चाहते हैं कि आपको अगले वीडियो की अपडेट मिले तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिए चैनल, और यदि आप नहीं कर रहे सब्सक्राइब तो अपने दोस्त को बता दीजिए कि एस इनफॉर्मर करके एक चैनल है जो काफी जेन्युइन रिव्यू देता है। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए राधे राधे और अपना ध्यान रखिए।